ऑलमोस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स की राइड है जाने का और 10 मिनट्स 15 मिनट्स की राइड है आने का। और या थोड़ा सा फॉल सीजन के आसपास आओ तो क्या होता है कि ये सब कवर हो जाते हैं, लेकिन 4,867 फीट अबव सी लेवल जितने भी जगह बची है कल देखेंगे, कल कोशिश करेंगे इसको एक्सप्लोर करने की। फिर वेट करते हैं, फिर वो लिफ्ट से ऊपर जाना तो बनता है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट। Get the beauty guys, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और अभी हम करने वाले हैं गंडोला राइड, पता नहीं ओपन है कि नहीं, उतनी ज्यादा भीड़ दिख नहीं रही है, पास से चलते हैं आपको बताएंगे। अगर गंडोला राइड ओपन है तो पहाड़ों के बीच से हम होकर जाने वाले हैं ऊपर। हाँ आई थिंक ओपन है, मुझे आते जाती दिखी है 2-3 गंडोला राइड्स। सो चलिए करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। स्नो में तो क्या नजारे होते होंगे मैं इमेजिन कर सकता हूँ, क्योंकि पूरा ये जो एरिया है गाइस पूरा पूरा का पूरा स्नो से कवर हो जाता है तो और ही खूबसूरत लगता है। अभी एक इसकी अलग ब्यूटी है, ग्रीनरी वाली ब्यूटी जिसको बोलते हैं गाइस। ये जगह का नाम है व्हाइट फेस बेस लॉज एंड यहाँ से गंडोला राइड स्टार्ट होती है। एंड चलते हैं, देखते हैं, अंदर इंक्वायर करते हैं क्या है टिकटिंग प्राइसिंग। एंड आई एम श्योर ये जो वर्थ तो होना ही है, क्योंकि अभी इस वक्त मौसम बहुत मस्त हो रखा है एंड सामने से वो दिख सकता है गंडोला राइड वहाँ से जाती है। सो चलिए अंदर इंक्वायर करते हैं टिकट के बारे में। सो ये है अंदर एरिया जहाँ से टिकटिंग आप खरीद सकते हैं। तो हमको दिख रहा है $25 पर पर्सन है एंड चिल्ड्रंस का $20। सो चलिए देखते हैं क्या है। सो ये दो टिकट है जो हमने अभी ले लिए हैं एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी है टिकट की एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं खाने पीने के। तो उन्होंने बताया ऊपर आपको कुछ भी खाने का नहीं मिलेगा, अगर आपको कुछ भी खाना है तो यहीं पे आप ले कर सकते हैं और ऊपर जाके भी खा सकते हैं, यहाँ पे भी खा सकते हैं। तो रेस्टोरेंट यहाँ पे है, पैक भी करा सकते हैं, देखते हैं। अभी तो भूख उतनी कुछ है नहीं। लॉकर का भी ऑप्शन है इनकेस अगर आपको अपना सामान यहाँ रखना है तो, एंड रेस्ट रूम भी है सामने। विंटर में ज़्यादा काम आता है, जब एरिया गाइस पूरा स्नो से कवर होता है और यहाँ स्कीइंग होती है तो आप यहाँ से रेंटल भी कर सकते हैं। तो ये रेंटल का ऑप्शन है, यहाँ से आप स्केटिंग सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो भी चीज़ आपको चाहिए स्कीइंग करने के लिए। बहुत सारे पैड्स अवेलेबल हैं, मुझे दिखा अभी। एंड यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है एक छोटी सी ट्रक है जिसमें खाने का ऑप्शन है, तो इनकेस इफ़ यू वॉन्ट टू ईट यू कैन टेक इट एंड यू कैन गो अप देयर एंड देयर इज़ अ बेंच इज़ देयर, यू कैन सिट एंड यू कैन ईट आराम से। इट्स अ माउंटेन व्यू विथ गोंडोला राइड। तो ये एरिया जहाँ पे गोंडोला रिपेयर होती है इनकेस अगर ख़राब हो जाए तो, एंड देन यहाँ से सामने से गोंडोला राइड जाती है। तो बस बैठते हैं, देख रहे हैं वही पानी गिर रहा है, अभी जाना चाहिए कि थोड़ा रुक के पता करते हैं। अभी हमने लिया है चीज़, नाचोस चीज़, चिली, एंड अंदर चलते हैं पता करते हैं कैसा है। सो हम सोचे थे ऊपर जाके खाएंगे बट हमारा भूख थोड़ी सी थी तो यहीं खा लिए। देख सकते हैं आज का टेम्परेचर कैसा है, 58 डिग्री लुक्स लाइक अ फ़ारेनहाइट है। एंड बस अब चलते हैं अपने गंडोला राइड की ओर। तो चलिए अब अंदर बैठते हैं इसके अंदर। सो फाइनली हमारी गोंडोला राइड स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं नीचे का नज़ारा एंड काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड अभी बस बहुत ऊपर जाना है, यू नो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स की राइड है जाने का और 10 मिनट्स 15 मिनट्स की राइड है आने का। सो आपको थोड़े से नज़ारे दिखाते हैं, जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं तो आप देखिए नज़ारे को। सो ये जंगल के बीच से हम अभी ऊपर जा रहे हैं एंड काफी अच्छा लग रहा है, काफी मस्त लग रहा है इस वक्त। कैसा लग रहा है ना यहाँ? मेरा पहला गंडोला राइड है। यहाँ का पहला गंडोला राइड है तो उसके लिए एक्साइटेड है। Get the beauty guys, बहुत ज्यादा हाइट पर है अभी हम,
पूरे पहाड़ से सामने से टकरा रहे हैं ऐसा लग रहा है। एंड काफी लंबा है अभी, ऐसा नहीं ऑलमोस्ट हमको 7 मिनट तो हो ही गया है, बट आप देख सकते हैं कैसे जाती है, नीचे वापस जाएगी फिर और ऊपर जाएगी। तो लुक एट द ब्यूटी गाइस, देखिए गाइस सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हम नीचे जा रहे हैं वापस, फिर जाएंगे वापस अगेन उतना ही ऊपर। तो काफी रोमांचक है ये गंडोला राइड, ऐसा लग रहा है इसके आगे हम कुछ है नहीं, यहीं से स्टार्ट किए हैं, बट ऑलरेडी हम पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं, उसके बाद अभी स्टार्ट किए हैं और अलग ही नज़ारे हैं। आई एम श्योर ऊपर जब जाएंगे तो ऊपर से जो नीचे का नज़ारा दिखेगा पता नहीं कितना दिखेगा, क्लाउडी है क्योंकि, बट मज़ा बहुत आ रहा है। बने रहिए इस वीडियो पर, आगे देखते रहिए बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, जैसा एक्सपेक्टेड था सामने आप देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज फॉग है, पूरा क्लाउड से घिरा हुआ है ये पहाड़ और अब को कुछ नहीं दिखेगा। द गुड थिंग अबाउट दिस गंडोला राइड इज ये पूरा कवर्ड है और ग्लास है और ये प्राइवेट है, सिर्फ हम दोनों ही बैठे हैं, तो ग्रुप वाइज जाता है तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एंड सो बस यही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मौसम नज़ारे, एंड पता नहीं और कितना ऊपर है बट अभी ऊपर चले जा रहे हैं हम। सो आई थिंक आने वाला है, देखते हैं आगे। सो बस अभी हम आए हैं और यहाँ उतरे हैं, ये हमारी गंडोला वापस जा रही है एंड बस अब आगे आपको दिखाते हैं। पूरा क्लाउड है इस वक्त, पूरा का पूरा फॉग है, तो आई एम श्योर आपको दूर का कुछ भी नहीं दिखेगा, पास की चीज़ें ही दिखेंगी। एंड सो बस चलते हैं, ये अभी के बजे हैं 1, आप देख सकते हैं घड़ी में सामने, आई एम नॉट श्योर कितना दिख रहा है एंड बट मज़ा बहुत आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा है तो आप इंजॉय कर सकते हैं। एंड कुछ फोटोज़ यहाँ पे हम कैप्चर करते हैं एंड पास से और दिखाते हैं जो क्या क्या चीज़ें देखने की है। सो ये जो जगह है बेसिकली गाइस 3652 फीट ऊपर है एंड आप देख सकते हैं लिटिल वाइट फेस माउंटेन एलिवेशन 3652। सो जगह बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड काफ़ी सीरे जब भी मेरे ख्याल से जब वो स्कीइंग वाला होता है तो ऊपर से लेके पूरा नीचे तक आप स्कीइंग कर सकते हैं, वो एक अलग रूट बनता होगा आई एम श्योर गंडोला से जो कि सेपरेट होता होगा, बट जिसको भी स्कीइंग आती है उसके लिए तो बहुत ही मज़ेदार है एंड थोड़ा डर भी लगता है तो, बट वही है स्नो टाइम पर जब आप आओगे, जब न्यू हैम्पशायर भी गए थे तो उस वक्त भी यही था कि जब वो स्नो होती है तो एक अलग कवर से वाइट स्नो से कवर रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। सो बस यहाँ कुछ टाइम बिताते हैं, 5-10 मिनट 20 मिनट बैठते हैं, फिर यहाँ से वापस नीचे चलेंगे। सो कैसा लगा नेहा यहाँ पे आके? मज़ा आ गया, बहुत ठंडी हवा आ रही है, हम लोग ना पूरा प्रिपेयर होके अच्छा वाला हुड्डी पहन के आए तो हमको इतनी ठंड नहीं लग रही है, लेकिन मौसम तो मस्त है यार। अभी हल्की फुल्की छीटें स्टार्ट हो गई हैं तो आपको दिख रहा होगा सामने ही गंडोला राइट है, बट अभी वो दिख नहीं रहा है एंड ऑलमोस्ट छुप गया है इस बादल में। सो पूरा क्लाउडी है। तो ये सब जगहों पर ऐसा ही है, आप समर में आओ तो आपको बहुत सी चीज़ें दिखेंगी बट वेदर उस वक्त अलग रहता है, जब आप बारिश के समय आओ या थोड़ा सा फॉल सीज़न के आसपास आओ तो क्या होता है कि ये सब कवर हो जाते हैं, लेकिन जो आसपास की ग्रीनरी रहती है, जो नेचर रहता है, जो आप खुद फील करते हो, वो एक अलग फीलिंग होती है। एक्चुअली हम लोग वर्मोंट गए थे समर मतलब मई जून में गए थे तो उतना मज़ा नहीं आया था क्योंकि मतलब पूरा पहाड़ दिख रहा था, हमको ना ये वाला मौसम चाहिए था। Yes. क्योंकि ये मौसम में आओ तो लगता है कि आप पहाड़ और अब आए हैं इस सीज़न पे तो इसकी बड़ाई करनी भी चाहिए। हाँ। उस वक्त आते तो उसकी बड़ाई करते अब भाई अपने को इतना खर्चा करके आए तो लगना चाहिए कि हम ये वर्थ है, सही वाली तो जगह वर्थ है। सो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश पत्तों को मारती हुई वो जो आवाज़ आती है वो आ रही है एंड अपलिफ्टिंग स्टोरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में समझाया है इस पहाड़ के बारे में। हाँ, तो ये ना जमीन के नीचे था। अच्छा, बिलियन ईयर्स अगो कुछ हुआ और ये जमीन के ऊपर आया। अच्छा, तो मतलब ये आप समझो कि पहाड़ जमीन और धरती के अंदर से बाहर निकला और ये एड्रिनॉक हाई पीक्स। हल्की हल्की बारिश जैसे मैंने बताया स्टार्ट हो गई है तो मैंने नेहा को वहीं स्टॉप किया जो वो समझा रही थी और हमें लगा कि अब वापस चलना चाहिए एंड गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी बोले तो गंडोला में कवर्ड है चारों तरफ से तो बारिश का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, देख सकते हैं कितना फॉगी हो गया बारिश के और होने से।
तो हमारी गंडोला राइड आ चुकी है, चलिए बैठते हैं। सो डोर बंद हो चुका है, हम अंदर आ चुके हैं एंड ऑल सेट टू गो डाउन। एंड सो अभी नीचे जाने का नज़ारा आपको क्या ही दिखाऊं, क्योंकि पूरा फॉग है, पूरा सेम दिखेगा, बट ये एक्सपीरियंस एंजॉय करने का है क्योंकि नीचे जाने में भी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लगे। सो आप देख सकते हैं गाइस, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ नीचे का नज़ारा। थोड़ा सा बादल अब खुल चुका है, जैसे आप नीचे आते हैं नज़ारे खुल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिएगा इस नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है, वहीं नीचे से हम आया है जहाँ से आप देख रहे हैं। तो फाइनली अब हम नीचे आ चुके हैं एंड यहाँ आप देख सकते हैं स्नो का बारिश का कोई निशान तक नहीं है। तो लुक्स लाइक यहाँ बारिश नहीं हुई है, ऊपर ही बारिश हो रही है पहाड़ों में, बादल से बारिश बनकर गिर रहा है तुरंत लुक्स लाइक। तो आई एम श्योर स्नो में काफ़ी मज़ा आता होगा, और स्नो के लिए स्केटिंग के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है वाइट फेस, और इसको तो बुलाया भी जाता है स्कीइंग, यहाँ से ओलंपिक्स भी होते हैं, ओलंपिक्स भी निकलते हैं, तो बहुत ही अच्छी प्लेस है, मच रिकमेंडेड। अगर आप आ रहे हैं तो ये गंडोला राइड ज़रूर करिए। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं वाइट फेस माउंटेन की तरफ, जो कि एक हाईवे है, हाईवे मेमोरियल, कार से भी आप जा सकते हैं माउंटेन पे। सो वो वाले रास्ते में अभी हम जा रहे हैं, स्नैक्स भी कर रहे हैं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हम तो नड्डा बोलते हैं जो छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं। एंड तो बस चलते हैं, जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा $40 टू पीपल के लिए, 20 each, $20 पर कार एंड एडिशनल पीपल आई थिंक $20। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ड्रोन्स आर नॉट अलाउड, सो वी कैन नॉट फ्लाई ड्रोन्स। बस सीनिक नज़ारा है, रास्ते में चलते हैं यहाँ से। सामने के नज़ारे आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। एंड देखिए गाइस बहुत ही खूबसूरत है, और ये पूरा ऊपर तक जाएगा, उसने बताया अभी विजिबिलिटी ज़ीरो है एज एक्सपेक्टेड बिकॉज, एंड पीछे भी हमारी कई सारी गाड़ियाँ आने वाली हैं क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी है। सो लेकिन नज़ारे मज़ा आ रहा है, गाड़ी चलाने में भी, ड्राइव करने में भी। धीरे धीरे ऊपर चलते हैं। सो ये जो एरिया है अभी 2638 feet ऊपर है, एंड आई एम श्योर इसके भी ऊपर अभी हम जाना है, बट नज़ारे आप देख सकते हैं राइट साइड में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जो भी दिख रहा है अभी हमें, मज़ा आ रहा है देख के। लोग यहाँ पे हाइक भी कर रहे हैं, आप हाइक भी कर सकते हैं, राइट साइड आप देख सकते हैं। सो लुक एट द ब्यूटी गाइस, कितना खूबसूरत और कितना नज़ारे वाला रोड है ये। एंड सामने देख सकते हैं आपको वो लेक दिख रहा होगा, सामने जो है वो लेक है, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं, नेचर के बीच इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे उतनी पॉपुलेशन नहीं है, इसी का तो फ़ायदा उठाना होता है, यही तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है अमेरिका की। सो देखिए कितना ही खूबसूरत नज़ारा है, एंड लोग इस पर खड़े होकर भी फ़ोटो लेते हैं। यहाँ पे आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जितना मिनट आपको टाइम स्पेंड करना है। गाड़ी अभी हमने वहाँ पे अपनी पार्क कर दी है, ऊपर आप देख सकते हैं फॉग। तो कैसा लगा नेहा यहाँ पर आकर? बहुत ही मस्त है, क्योंकि आज मैं सुबह से यही एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नेहा को कैसा लग रहा है? अरे देखो हवा कितनी चल रही है पहाड़ों के बीच, प्लेजेंट वेदर, दोपहर का 2:30 बजे है लेकिन पता नहीं चल रहा है, हवा देख लिया और आप देख सकते हैं इस वक्त मौसम बहुत ही सुहाना है। चलिए अभी तो और ऊपर जाना है, चलते हैं। इस देखिए बाहर का नज़ारा इस वक्त ऊपर का, एंड अभी भी हम ऊपर चल ही रहे हैं, बट बहुत ही खूबसूरत, और मौसम तो आज बहुत ही कहर ढा रहा है, बोल सकते हैं ना कहर ढाने वाला मौसम है इस वक्त। सो बस अभी चलते हैं ऊपर, बहुत ऊपर जाना है अभी हमें।
गाइस अभी देख सकते हैं आप नज़ारे कितना ज़बरदस्त लग रहा है। फॉगी वाला जो समय था वो अब आ चुका है, यहाँ से पूरा फॉग रहने वाला है, नीचे का नज़ारा दिखेगा नहीं। जैसा इंस्ट्रक्शन में उसने कहा भी नीचे काउंटर में जहाँ आप टिकट ले रहे थे ऊपर जाने का टोल साइड पे, कि आपको नज़ारे ऊपर अभी पूरे वाइट वॉश हो चुके हैं तो उतने आपको नज़ारे नज़र आएंगे नहीं। बट आप देख सकते हैं हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, अनकट वर्जन बोलते हैं इसको, रॉ बोलते हैं, रॉ है। आप सामने देखिए पूरा फॉग है, मुझे अभी सामने की विजिबिलिटी मैं आपको क्या बताऊँ, 10 मीटर के आगे विजिबिलिटी है ही नहीं। 10 मीटर भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बोल रहा, बट देर इज़ नो विजिबिलिटी। बहुत ही कमाल का लग रहा है। Okay. That's the end of the road. Nice. Underneath the castle building is a horseshoe turnaround. You drive through that first and okay. park on your way back. Okay. Now the castle ahead has your restrooms, restaurant, gift shop. Okay. And that right there is the tunnel entrance to the elevator. I do. The rest of the way. Sure. And thank where you. Do we park? You're welcome. We can park here, right? We can come back and we can park. Okay. Thank you. अभी हम जो जा रहे हैं ये टनल से होके जा रहे हैं, टनल से हमारी गाड़ी जाएगी अंदर और यू टर्न लेके हम आने वाले हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा होने वाला है। देख सकते हैं ये पूरा टनल से होके जा रहा है, पीक मोमेंट पर है इस वक्त, एंड 4,610 feet फ्रॉम द सी लेवल। बस यही यू टर्न लेके आपको वहाँ पे जाना है, गाड़ी आप वहाँ पे पार्क कर दीजिए। आप यहाँ पे वॉक करके भी आ सकते हैं, लिफ्ट के थ्रू भी आप ऊपर जा सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मजा तो बहुत आ रहा है। चलते हैं पार्क की ओर, गाड़ी हमारी पार्क करते हैं एंड लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, जैसे भी देखते हैं चलते हैं आगे। सो देख सकते हैं गाइस इस वक्त का मौसम मैं आपको दिखा ही रहा हूँ जब से, बट अलग ही ब्यूटी है। यहाँ पे अभी गाड़ी हमने पार्क कर दी है, चलिए आपको वही टनल के थ्रू जहाँ से हमारी भी गाड़ी आई है वॉक करके चलते हैं, पास का दिखाते हैं। 1935 में बना था गाइस ये जो हाईवे है, एंड 2015 में इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, एंड चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप जो एक पाथ वो भी है जिसमें आप वॉक करके भी जा सकते हैं ऊपर, एक तरीका ये भी है कि आप वहाँ पर एलिवेटर से एलिवेटर आपको ऊपर लेके जाएगी, तो वो भी एक तरीका है। आप कहीं भी अभी चले जाएं इस वक्त आपको दिखना कुछ नहीं है, क्योंकि इस वक्त बारिश का मौसम नज़ारा अलग ही है एंड एक अलग ही दिखता है इस वक्त, पूरा नीचे ज़ीरो विजिबिलिटी। अंदर शॉप है, खाने पीने का भी ऑप्शन है, पूरा पत्थर से बना है इसका कंस्ट्रक्शन, आप देख सकते हैं पूरा स्टोन का बना हुआ है, ये जो भी है स्टोन का है पूरा, और पहाड़ों के बीच पहाड़ वाले स्टोन जो होते हैं ना उसका बना है। रेस्टरूम भी है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कैफ़े एंड गिफ्ट शॉप ऊपर है। सो ये सारे गिफ्ट शॉप हैं, चॉकलेट्स हो गए, गुडीज़ हो गए, वो सब आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, ऐसा कि हर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में होता है।
सो अभी हम खाने की जगह आए हैं वही ऊपर कैफ़े 4610 कैफ़े का नाम है और अभी हमने ऑर्डर किया है ट्रेडिशनल मार्गरेटा फ्लैट ब्रेड टोमेटो बेसिल का पिज़्ज़ा होता है बट इट इज़ नॉट आई थिंक राउंड सर्कल वाला इट इज़ क्या बोलते हैं उसको ब्रेड है एक बड़ा सा उसमें स्प्रेड करते हैं ये खाते हैं यहाँ पे तो ये हमने गरम गरम ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा टोमेटो बेसिल पिज़्ज़ा चीज़ पिज़्ज़ा सो बस इसको अब लेते हैं एंड देखते हैं कैसा बना है सो बस अब हमारा लंच हो गया है एंड अब चलते हैं बाहर एंड फिर लिफ्ट से जाएंगे ऊपर वही सेम वाइट माउंटेन फॉग देखने के लिए ये चेयर देखिएगा इस कितनी लकड़ी की बनी हुई है सो बाहर अभी बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है अरे पूरी ऐसी शाम तक है पूरी बारिश एज पर द वेदर फॉरकास्ट काफ़ी देर तक शाम 7 बजे तक बारिश होनी है सो गलत टाइम बारिश हो गई थोड़ा सा 1-2 घंटा रुक जाते ऊपर ऊपर हो आते तो ज़्यादा अच्छा होता देखते हैं थोड़ी बहुत अगर रुक जाए तो अपन फिर आगे चलेंगे अदरवाइज इतने बारिश में तो भीगने के पूरे चांस है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस वक्त बारिश भी हो रही है एंड ये नज़ारे आप देख सकते हैं गाड़ियाँ भी जा रही हैं यहाँ से सो इट्स लुकिंग रियली गुड सामने देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है तो वहाँ से नॉर्मली ट्रायल की जाती है अभी क्लोज्ड है जस्ट बिकॉज वेदर अच्छा नहीं है बारिश हो रही है और नहीं तो अदरवाइज वो सीढ़िया हो के आपको बहुत ऊपर जाना होता है एंड बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वहाँ से दिखता है एक और तरीका है कि अगर आप आ रहे हैं तो लिफ्ट से भी जा सकते हैं सो हम कोशिश करेंगे कि लिफ्ट से जाएँ बट हवा बहुत तेज़ चल रही है ठंड बारिश में सब अच्छी खासी हो रही है सो गाड़ी में आ गए गाइस फाइनली बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर इस वक्त एंड गाड़ी में आना ही सेफ है तो बस अभी थोड़ा देर वेट करते हैं फिर वो लिफ्ट से ऊपर जाना तो बनता है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं देखते हैं बारिश थोड़ी सी कम हो जाए तो मज़ा आएगा जब तक कुछ नहीं तो क्या ये अच्छा कॉफ़ी वेनिला स्टारबक्स का कॉफ़ी पीते हैं जब तक थोड़ी देर इन्जॉय करते हैं इसके साथ और गाने सुनते हैं यस सब जा रहे हैं हम एलिवेटर टू समिट कैसल जो कि मैं आपको दिखाया भी था ऊपर आप स्टेयर से भी जा सकते हैं बट इस वक्त ड्यू टू वेदर आज बंद है लुक्स लाइक नो रेस्ट रूम नो डॉग्स नो स्मोकिंग नो रेस्टोरेंट राइट साइड में था तो यहाँ अंदर कुछ भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम द एलिवेटर एंड लिफ्ट सो अभी अंदर चलते हैं सो देख सकते हैं गाइस अंदर बहुत ठंडा भी है एंड ये गुफा टाइप का है काफ़ी और काफ़ी लंबा है जो कि अभी आपको चल कर जाना है सो ये देखिए काफ़ी लंबा है ये टनल एंड छोटा सा टनल है वॉकेबल लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई है मज़ा आ रहा है चलने में ठंड काफ़ी ज़्यादा है लेकिन अंदर सब आ गए हम एलिवेटर के पास ये है एलिवेटर So 27 फ्लोर चढ़कर अभी हम ऊपर आ गए हैं एंड ये है ऊपर का नज़ारा ये अंदर का टनल एरिया ही है सो ये देखते हैं बाहर से कैसा दिखता है बाहर से आपको दिखाते हैं सो आइए बाहर का नज़ारा भी देखते हैं कैसा है इस वक्त एंड यहाँ से बाहर आते हैं सो ये वो समिट एरिया है जो टॉप एरिया आपको दिख रहा होगा एंड ये बाहर का नज़ारा है इस वक्त अगेन काफ़ी फॉगी है तो कुछ दिखेगा नहीं बट फीलिंग है गाइस कास्ट कैमरा फीलिंग भी बता पाता तो घर बैठे बैठे हम फीलिंग भी ले पाते अगर नॉट श्योर जनरेशन जैसी जा रही है आगे कुछ भी हो सकता है एंड ये बड़ा सा टनल है जिसके थ्रू अभी हम ऊपर आए हैं
एंड यही वो लिफ्ट है इसके अंदर. सो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस वक्त. सात माउंटेन और के हिसाब से तो हमने माउंट मैंसफील्ड कवर किया है वर्मोंट में. अभी हमने कार वाइट फर्स्ट माउंटेन जो ये वाला है हम गए 4067 यहाँ पे. अभी इसका माउंट वॉशिंगटन हम गए न्यू हैम्पशायर में जिसका 6000 मतलब हाईएस्ट पीक हमने नॉर्थ कैरोलिना में है. ऊपर नॉर्थ कैरोलिना है, टेनेसी में है, न्यूयॉर्क में है, इंग्लैंड में है, सारी ईस्ट कोस्ट में ही है. देखो हम कभी जाने का मौका मिलेगा फिर. तो ये है लेक प्लेसिड फॉल्ट. इधर देखिएगा इस कुछ भी नहीं दिखेगा और नीचे बहुत ऊपर अभी हम आए, बहुत ज़्यादा ऊपर 4867 फीट. और जो लिफ्ट्स थी ना गाइस वो थी 27 स्टोरीज की, 27 मतलब क्या बोलते हैं 27 स्टोरीज वाली लिफ्ट है वो. तो काफ़ी ऊपर आए हैं अब देखा जाए तो. एंड ये है रॉक वॉक. तो रॉक वॉक इसको बोलते हैं माउंटेन्स वॉक. तो आप देख सकते हैं सारे माउंटेन पे बिकॉज ऑफ बारिश वो जो काई बोलते हैं हरा हरा कलर का फिसलन भी काफ़ी होती है इसमें, वो भी जमा हुआ है. तो केयरफुली हमें चलना पड़ेगा. इसको बोलते हैं रॉक माउंटेन वॉक. मैंने थोड़ा क्लियर किया है तो आई एम श्योर आपको थोड़ा सा अब क्लियर ज़्यादा नज़र आएगा. नहीं तो लेंस पे भी बारिश की छींटें थी वो जमी हो गई थी. सो देख सकते हैं आप 4867 फीट अबव सी लेवल वाइट फेस माउंटेन. इसके आगे क्लोज है जाना, अदरवाइज़ वहाँ पे 2 फीट का एल्पिन जोन भी है. सो अभी बंद है बिकॉज ऑफ द वेदर एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एज वेल, क्योंकि इतना सेफ है नहीं. क्योंकि इसके नीचे आप गए ना गुरु तो अब सीधा नीचे ही जाना है. नीचे क्या ऊपर जाना है, इसके नीचे ऊपर है सीधा. सो बट है बहुत अच्छा पीसफुल. और एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है गाइस मुझे पर्सनली, आप यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट प्लेसेस चले जाओ मतलब इतनी भीड़ नहीं होती है, इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो आप एक एक जगह को एंजॉय करते हो. कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. आप आओ अपनी फैमिली के साथ, स्पेंड टाइम हियर. आई एम श्योर बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आएगा. एंड ये एक एज है जब तक आपके हाथ पे चल रहे हैं तो पहाड़ हो गए या कोई भी ट्रायल आप कर सकते हो, अदरवाइज़ इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो जो क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता आया हूँ अगेन फिर से पूछना पड़ेगा मुझे नेहा से, नेहा कैसा लग रहा है? ये ओशन व्यू है वैसे तो, बट कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर इतना ऊपर इतनी हाइट पर? अच्छा लग रहा है. व्यू होता तो अच्छा होता लेकिन उसके बहुत साइड इफेक्ट्स भी है. हाँ व्यू होता तो आपको ये क्लाउडी जो इतनी ठंडी है इतनी हवा है ये सब नहीं मिलेगा. सो हर चीज़ के अपने प्रोस कॉन्स हैं. आई एम श्योर जब थोड़ा सा सन होता तो ये नीचे आपको पूरा दिखा पाते और अच्छा कि कैसा दिखता है ये माउंटेन व्यू. ऐसा मजा आ रहा है. हाँ अलग मजा है इसका ठंड का. तो अगर आप स्पिन करेंगे व्हील को तो आपको वेदर हर महीने का अलग अलग बताएगा. एंड थोड़ा सा फास्ट करेंगे देखिए ऐसा लगता है अभी जहाँ हम थे ये अगर वो ना हो क्या बोलते हैं अगर वाइट ना हो फॉगी ना हो तो कुछ ऐसा दिखता है. जैसे अभी हम ऊपर वो टॉप में हैं जैसे इसको मैं बढ़ाऊंगा देखिए कैसा हो रहा है वेदर. ये होता है फरवरी में ठंड के समय पूरा स्नो से कवर है. देखिए पूरा स्नो से कवर है. जैसे जैसे आप मई में जाएंगे जुलाई में जाएंगे तो ये लेक हो गया पानी बन गया. फिर आप आगे जाते जाएंगे तो जुलाई का अलग वेदर है अक्टूबर का अलग है. फिर आप थोड़ा सा ऊपर मैं आपको फॉल सीज़न दिखाऊँ. सो यहाँ पर थोड़ा सा फॉल सीज़न था. खैर तो अब हम डाउन जा रहे हैं 27 फ्लोर नीचे. सो अगेन एक्चुअली इसका ना जो कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है देखो तो यह पूरा लिफ्ट बनाया हुआ है. बाजू में स्टेयर्स है अगर कुछ हो जाए मैलफंक्शन लिफ्ट में और टनल के बाहर भी पूरी जाली लगाई हुई है और चारों तरफ पूरा टनल ही है. हाँ तो ये ना बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया गया है. आई एम श्योर बहुत
टाइम लगा होगा यहाँ बनाने में, किसी को चढ़ने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, जैसे सीनियर सिटीजन हो गए तो अगर वो नजारे का फायदा उठाना, तो लिफ्ट हो तो अपने आप में एक और चीज। और आप कहीं पे भी आते हो ना, आप दो तीन दिन के लिए आते हो तो दो तीन दिन में तो आप हर जगह तो वॉक नहीं कर सकते। आई थिंक ऐसी वाली जगह होनी चाहिए ताकि आप मल्टीपल प्लेसेस कवर कर सके। वापस से टनल एरिया आ गया है तो अब चलते हैं वापस अपने गाड़ी की ओर। एक्सेसिव ठंड लग रही है। सो फाइनली अब हम आ चुके हैं एग्जिट एंड तो काफ़ी अच्छा सफ़र है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ज़रूर आइए वाइट फेस माउंटेन, क्योंकि काफ़ी काफ़ी रिकमेंडेड है, काफ़ी अच्छी जगह है ये। अभी नीचे जाएंगे तो आई एम श्योर बहुत सारे और भी सीनियर को मिलेंगे। तो अब हम नीचे उतर रहे हैं, आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है और ये गाने बारिश वाले तो मज़ा ही आ जाते हैं माउंटेन्स में। अभी 14.5 डिग्री सेल्सियस है गाइस टेम्परेचर, फील्स लाइक 10 और 12, सो बहुत जबरदस्त मौसम हो रखा है। बस मजा आ रहा है, एंजॉयमेंट वाला वेदर है, गाने भी पानी पानी चल रहे हैं। सो बस अब नीचे चलते हैं, नीचे पहुंच जाएंगे तो आई थिंक थोड़ी सी विजिबिलिटी अच्छी आएगी बिकॉज वी आर इन माउंटेन। 15 माइल्स पर आवर का स्पीड लिमिट भी है, इससे ज्यादा हम चला भी नहीं सकते। यहाँ रुकने का मन तो काफी है बट बारिश तेज है एंड रुक के करें तो करें क्या, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है। आपको ऐसा ही दिखेगा जो मैं आपको गाड़ी से बैठे बैठे दिखा रहा हूँ। तो ये एक व्यू पॉइंट है, सोचा हम यहाँ रुक के फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। एंड नीचे आप देख सकते हैं पूरा माउंटेन आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में तो पूरा फॉग ही फॉग है, ऊपर अगर आप देखो तो पूरा ही पूरा फॉग है। सामने पहाड़, उसके ऊपर है पूरा माउंटेन, लेकिन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है इस वक्त। हम वहीं ऊपर से ही आ रहे हैं इस वक्त एंड वहाँ पर आपको कुछ भी विजिबिलिटी नहीं थी, नीचे एटलीस्ट अब विजिबिलिटी एंड रोड बहुत ही अच्छा लगा रोड के पास, गाड़ी वहाँ हमने पार्क की है। तो ये है वादिया, मौसम ग्रीनरी, बादल, बारिश, सब कुछ मिल गया सिवाय मैगी और गरम चाय, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अगर मिल जाती तो मतलब मक्खन रहता हमारी ट्रिप का, बट अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर सी जगह, मज़ा आ गया यार, बहुत मज़ा आ गया। काश हमारी फैमिली होती, काश हम उनके साथ आते, उनको बताते तो और भी अच्छा होता। सो अब हम बस नीचे उतर रहे हैं एंड जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाएंगे। सामने आपको टोल गेट दिख रहा होगा जहाँ हमने पेमेंट किया था ऊपर आते वक्त, तो $40 दो लोगों के लिए है, यू नो $20 पर व्हीकल प्लस जितने लोग हैं उसके हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज, तो ये वर्थ है। जब भी आप आ रहे हैं इधर ज़रूर आइएगा। अब हम बस नीचे उतर रहे हैं एंड जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाएंगे। सामने आपको टोल गेट दिख रहा होगा जहाँ हमने पेमेंट किया था ऊपर आते वक्त, तो $40 दो लोगों के लिए है, यू नो $20 पर व्हीकल प्लस जितने लोग हैं उसके हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज, तो ये वर्थ है। जब भी आप आ रहे हैं इधर ज़रूर आइएगा। नीचे उतरते ही एक डैम दिखा हमें, ऑसबल रिवर डैम का, विल्मिंगटन में है, तो कुछ ऐसा दिखता है ये। काफ़ी छोटी सी जगह है, कोई चार्जेस नहीं है,
अगर आप देखो तो पानी थोड़ा सा मडी वाटर है, और अगर मैं सामने जाऊं, हाँ तो ये जो है कुछ ऐसा दिखता है सामने, ऊपर वॉक करने के लिए जगह है, और पूरा एक रिवर है, और ये एक आई थिंक लाइट पोस्ट टाइप बना है कुछ। अगर मैं और सामने जाऊं तो प्रॉपर डैम दिखेगा जहाँ से नदी नीचे फ्लो करती है। सो वेरी क्वाइट प्लेस, अच्छी जगह है बैठने के लिए। यह इसको बोलते हैं विल्मिंगटन ब्रिज, और ये ऑसबल रिवर के अंदर है। अगर आप नीचे जाओ तो ये स्टेयर्स भी है, स्टेप्स है, नीचे जा सकते हो, जहाँ पे आप डॉग्स के लिए वॉक करने के लिए ये जगह है। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। सामने उधर तरफ जो वाइट कलर का कुछ दिख रहा है, वहाँ पे दो तीन लोग फिशिंग भी कर रहे हैं। तो फिशिंग फिशेस यहाँ पे मिलती होगी, ऐसे लोग फिश कर रहे हैं। एंड काफ़ी थोड़ा और आगे जाए तो थोड़ा म्यूज़िक भी बज रहा है लाउड, आई थिंक किसी का होटल या रेस्टोरेंट है। तो दिस इज़ द पार्क, और अनंत अभी ड्रोन शॉट ले रहे हैं, तो ड्रोन शॉट भी आएगा, तो इसके प्लीज़ इसके बाद ड्रोन शॉट भी देखिएगा, एंड यू विल नो कि इसका पूरा व्यू कैसा दिखता है, एरियल व्यू कैसा दिखता है। और यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है ये, तो ये है डैम, और ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड है ताकि लोग नीचे जाके झांके ना। डैम छोटा सा डैम है, आई थिंक ज़्यादा रिव्यूज़ भी है नहीं, आप वहाँ पे कार पार्क कर सकते हो और आओ और व्यू करो, दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। बैठने के लिए थोड़ी बहुत चेयर्स है यहाँ पे, बट ज़्यादा देर तक आप रुक नहीं सकते हो, आई थिंक यू कैन मैक्सिमम स्पेंड हियर फॉर मोर देन 15 to 30 minutes, नॉट मोर देन दैट। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है पता है ना, कि पानी की जो आवाज़ काफ़ी सूदिंग लगती है, और यही उसका USP है। और अगर मैं वापस सामने बताऊं तो ये जो माउंटेन है, माउंटेन के नीचे पानी और ब्रिज, तो कुछ ऐसा लगता है ये। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। गाइस अभी जो जगह है इसको बोलते हैं फ्लूम ट्रायल्स, फ्लूम वाटरफॉल्स, एंड यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं। ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बट थोड़े बहुत ऑप्शन है जो कि सफिशियंट है। रिजर्व पार्किंग के लिए अलग से पार्किंग डिजाइनेटेड दिया हुआ है, एंड इलेक्ट्रिक बाइक प्रोहिबिटेड है, तो आप बाइक लेकर नहीं आ सकते। एंड तो चलते हैं नीचे, पानियों की आवाज़ तो आ रही होगी, नीचे जाएंगे तभी तो वाटरफॉल मिलेगा, क्यों नेहा? यस, चलिए। तो नेहा गाइड को एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे पॉइजन लीफ जनरेट होता है, वहाँ पे लिखा हुआ था, तो ध्यान से रहना कि कोई भी पत्ता वत्ता को टच नहीं करना है, नहीं तो जहर बन जाएगा। हाँ, मतलब पता नहीं चलता, कहीं मुँह में लगा दिया, हाथ में लगा दिया, कपड़े में लग दिया। So, दो है यहाँ पे, रिवर लुक के लिए नीचे जाना है, एंड कॉरिडोर ट्रायल ऊपर की ओर है, रिवर वाली साइड चलते हैं अपन। सो ये है वो रिवर वाला एरिया, सामने आप देख सकते हैं पानी, मच्छर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और नज़ारे लेकिन बहुत ही अल्टीमेट है, सामने बादल, पहाड़, और ये नीचे एक छोटा सा नदी। मुझे बहुत
प्रॉब्लम है मच्छरों के काटने से ना, मेरा बहुत। सामने वो वाटरफॉल है जो आपको दिख रहा होगा, एंड ये है नज़ारा। सामने है होटल, वहाँ पे जो खाना खा रहा है पानी के साथ, पानी के झरनों की आवाज़ सुनते हुए आप खा सकते हैं। सो यही है यहाँ की लोकेलिटी। अब यहाँ से चलते हैं, ऑलमोस्ट अब 5:30-6 बज रहा है, तो यहाँ की सभी चीज़ें बंद हो जाती हैं, ज़्यादा ऑप्शन होंगे नहीं अब। जितने भी जगह बची है कल देखेंगे, कल कोशिश करेंगे इसको एक्सप्लोर करने की। आज तो हम रुक ही रहे हैं लेक प्लेसिड न्यूयॉर्क पे, तो बस अब यहाँ से चलते हैं। मैं नहीं पूछूंगा नेहा को यहाँ कैसा लगा, अब आगे वाले डिस्टेंस में पूछेंगे क्वेश्चन। ये वाला ओके था क्योंकि ना देखो मैं पूछूँ ना, मुझे आंसर देना है। बोलिए बोलिए। पता नहीं चला, मतलब नीचे उतरना थोड़ा रास्ता नहीं था, जस्ट लाइक अ लेक और यहाँ पे वाटरफॉल, तो आओ देखो जाओ, ऐसे बैठने वाली जगह नहीं है। ओके ठीक है, मच्छर बहुत है अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। मच्छर दो बार बोल चुके हैं अभी तक हमारे सामने एक ग्रुप था, बार बार मतलब 10 बार तो बोल दिया मच्छर ज़्यादा, हमने नोटिस नहीं किया, उसके बाद से हमको मच्छर लग रहा है, बहुत मच्छर काट रहे हैं, यहाँ निकलते हैं। और तो राइट साइड में आप देख सकते हैं गाइस, पहाड़ों के बीच में जो हम ऊपर भी गए थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही कूल लग रहा था। एंड इसी के पीछे ही है एक रिवर टाइप का जो कि जा रही है, अब दिखेगा शायद आप। सो ये है नीचे, आप झरना भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि पानी नहीं है, पानी है और नीचे पत्थर भी हैं, तो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और ये रास्ता भी बहुत सीनिक है। बारिश में आने का एक, बारिश में आने का अपना एक मज़ा है माउंटेन में, जैसा मैं बता रहा था। बहुत ही सीनिक और बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है लेक प्लेसिड। यहाँ से कनाडा बहुत ही पास है, अगर हमारे पास कनाडा का वीज़ा होता तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं मॉन्ट्रियल जाने का कनाडा, क्योंकि बस यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, आधे घंटे का ही रास्ता है। सो नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम आएंगे इस तरफ, कनाडा का वीज़ा लेके आएंगे, एंड होपफुली नवंबर या अक्टूबर में हम अप्लाई करने वाले हैं कनाडा वीज़ा। सो हमारे पास जब वीज़ा होगा तब कोई इशू नहीं होने चाहिए। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं ये स्कूल है, एंड ये फुटबॉल ग्राउंड भी था, इतना बड़ा स्कूल और बहुत अच्छा था। बस अब पहुँच गए हैं यहाँ से, एक जगह जा रहे हैं, कल ही गए थे हम मिरर लेक, जो कि अभी वही खुला रहता है, बाकी सब बंद हो जाते हैं 5 बजे यहाँ पे। सो मिरर लेक के पास बोटिंग ऑप्शन अवेलेबल है, देखते हैं कैसा है, बोटिंग मन करता है तो करते हैं, अदरवाइज़ पहले चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर पहुँच के फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। सो कल जो एरिया आए थे ये वो एरिया नहीं है, उसके दूसरे साइड का एरिया है, बट लेक वही है मिरर लेक। एंड यहाँ पे आप पार्किंग कार पार्क कर सकते हैं, आप अपनी यार्ड ला सकते हैं, अपनी बोट ला सकते हैं, एंड आई थिंक ये बोटिंग वाला एरिया ही है, एंड यहाँ से आप अपनी बोट ले जा सकते हैं नीचे, एंड आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो पब्लिक के लिए कोई बोटिंग अवेलेबल है, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है, जेट स्कीज प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है। आई एम श्योर जेट स्कीज तो आप नहीं ला सकते, बट वहाँ पे बहुत सारे बोट्स दिख रहे हैं मुझे इस वक्त। ये देख सकते हैं यहाँ पे किसी की बोट रखी हुई है, एंड बोट के भी नंबर होते हैं, आप देख सकते हैं NY जैसे लिखा हुआ है नंबर। एंड ये भी स्पीड बोट ही लग रही है, इंजन होंडा का है इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं गाइज, यहाँ पे आप अपनी बोट लाइए, सीधा पानी में ले जाइए जहाँ आपको चलाना है। बोट ड्राइविंग लाइसेंस अलग आता है जो कि रिक्वायर्ड होता है बड़े याक के लिए, आई थिंक छोटे ड्राइव के लिए तो आप 1-2 घंटे की ट्रेनिंग लेके भी सीख सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, आई थिंक एरिजोना के पास में वो जगह थी। सो ये है एरिया, सामने आप देख सकते हैं कोई बोट लेके आ रहा है अपनी, एंड आई थिंक वो पार्किंग वहाँ पर है जहाँ पर आप आराम से अपनी बोट पार्क कर सकते हैं। ये जो एरिया है गाइस, ये प्राइवेट एरिया है पूरा, यहाँ जितनी पार्किंग है सब प्राइवेट पार्किंग है, जिस जिस की बोट है, जो बोट ओनर्स हैं उनको पार्किंग असाइन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, अस्टर, मैकडोनल्ड एंड मैग्रा हैजन, तो सब की पार्किंग यहाँ पे डेडिकेटेड असाइन है। एंड यहाँ जो बोट ऑनर्स हैं, इसको प्राइवेट मेरीना इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो जो बोट ऑनर्स हैं वही सिर्फ यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं प्राइवेट मरीना, मेंबर एंड गेस्ट ओनली अलाउड, ये वो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे बोट्स रखे हुए हैं।
लाइन से आप सीधा जाएंगे, आजू बाजू ही सारी पार्किंग है। अपनी बोट उठाइए, चल पड़िए मिरर लेक में, जहाँ भी आपको जाना है। आई थिंक पब्लिक का कहीं होगा पब्लिक बोटिंग, पता करना पड़ेगा। तो अभी हम आ गए हैं अपने होटल वापस। अभी आप देख सकते हैं सनसेट हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट 7 o'clock हो गए हैं। एंड ग्रीनरी गाइस, कल रात को पार्क किए थे, कुछ दिख नहीं रहा था, बट अभी का ये एरिया है, पीछे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। सो बस अभी अंदर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर रात को खाने के लिए बाहर जाएंगे। सो अभी कुछ दूर चलकर हम आए हैं जैपनीज़ रेस्टोरेंट डिनर करने के लिए। एंड ये कल वाली सेम मॉल रोड ही है, बेसिकली मैं मॉल रोड बोल रहा हूँ, इसको मॉल रोड नहीं बोलते हैं, इट्स अ डाउन टाउन एरिया ऑफ लेक प्लेसिड। एंड वो सामने आप देख सकते हो ओलंपिक्स वाला, कल भी आपको दिखाया था। गाड़ी हमने पार्क कर दी है 8 बजे के बाद, देयर इज नो पार्किंग चार्ज, कैन पार्क फॉर अ फ्री। सो लेट्स गो इनसाइड, हिबाची सुशी, कई सारे ऑप्शन है। सो वेज आइटम अभी सर्च कर रहे हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन, मैक्सिकन, थाई, सो देखते हैं। एम्बियंस तो काफ़ी, जैसा मैंने बताया, अच्छा है, काफ़ी ग्रीनरी करके भी रखी गई है, लैम्प भी हमारे ऊपर। सो गाइस, ये हमने ऑर्डर किया था एग प्लांट बैगन विद गार्लिक सॉस, राइट, एंड दिस इज द वाइट राइस कम्स विद इट। ये जो दिख रहा है, ये है स्प्रिंग रोल, 2 वेजिटेबल स्प्रिंग रोल। अभी आए गाइस एमास का आइसक्रीम खाने, कल खा नहीं पाए थे, कल काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, आज आई थिंक अभी भी क्राउड है, बट आज थोड़ी सी क्रेविंग ज़्यादा है तो आइसक्रीम खाते हैं। खाना तो वहाँ बहुत अच्छा था जो हमने खाया, देख सकते हैं गाइस क्रेज़ कितना ज़्यादा है, काफ़ी सारे आइसक्रीम के ऑप्शंस हैं। सो अभी हमने संडे एक ऑर्डर किया है, तो वो हम लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है। सो गाइस, ये हमने ऑर्डर किया है संडे, जैसे मैंने बताया बहुत ही टेस्टी है खाने में, तो उसको जल्दी से खाते हैं, फिर अपने होटल की ओर चलेंगे। सो फाइनली अब हम अपने होटल पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्क कर चुके हैं, अब चलते हैं अंदर, आराम करते हैं।